उसमें कुछ मतलब गाजर और मटर मिक्स है, और ये चने चने की पकौड़ी है, ये बिहार में हम लोग बिहार में बनाते हैं इसको, और ये पोहा, ये मध्य प्रदेश का पोहा, एमपी का ट्रेडी पोहा जलेबी, ये ट्रेडिशनल, ये है, ये धनिया की चटनी है। जबलपुर का जो नाम है वो जबालपुर पत्थर, संस्कृत में पत्थरों को मतलब हार्ड रॉक को जबाल बोलते हैं, तो बेसिकली वो नाम उसका जबलपुर तो बाद में हुआ, जबालपुर है। तो देखो जबाली ऋषि भी थे, कोई जबाली ऋषि भी थे, उन्होंने ही मतलब इसको वो किया, एक्वायर किया या मतलब डिस्कवर किया है, ये कह रहे हैं। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको क्या उसमें ज़्यादा बसाया गया, कैंटोनमेंट एरिया उसी समय एमपी जब वो हुआ था बना था, तो बाकी सारे जैसे भोपाल में कैपिटल में गया, पर जबलपुर में हाई कोर्ट जबलपुर में है। हाँ, मेन ब्रांच हमारे यहाँ मतलब बहुत रेयर ऐसा है, दो एक सिटी ही स्टेट ही ऐसे हैं जहाँ पर कैपिटल में प्रिंसिपल बेंच है, और जबलपुर मतलब एमपी में ऐसा है कि कैपिटल सिटी में वो नहीं है, प्रिंसिपल बेंच नहीं है, हमारे यहाँ है एक वो है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बहुत बड़ा ऑफिस है, वो भी भोपाल में ना होकर जबलपुर में है, प्लस वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री, जो आर्मी के व्हीकल्स होते हैं उसका पूरा फैक्ट्री है यहाँ पर, यहीं से जाती, इवन इनफैक्ट बोफोर्स भी हमारे यहाँ बनती है, बोफोर्स गन जो है, और रेलवे का भी हेडक्वार्टर है, वेस्ट सेंट्रल आर्मी का भी है, एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उनके चीफ यहीं बैठते हैं। ये तो पूरा मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक नाश्ता है, पोहा जलेबी। पोहा जलेबी सभी अपने अपने स्टाइल में, तो उसमें कुछ भी ऐड करके बनाते हैं। मेन महाराष्ट्र से ये माइग्रेट समझ लीजिए कि होके आया है पोहा, बेसिकली वहाँ पे अभी भी बहुत खाया जाता है, और मतलब लोग डिनर में भी प्रेफर करते हैं पोहा खाना, कुछ नहीं आलू पोहा, और ये तो थोड़ा कम स्पाइसी है, बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं महाराष्ट्र में। बिहार में ज़्यादा चलता है चूड़ा मटर, चूड़ा मटर वो खाते हैं हम लोग, लेकिन पोहा अच्छा रहता है नाश्ते में, हल्का लाइट रहता है, अच्छा है। ये बिहार का स्वाद है। शुभ ने बताया इनका ये फेवरेट है चने की भाजी की पूरी, है ना, ये बहुत चलती है यहाँ पे, तो संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट है, और आलू की सब्जी, आलू चने की सब्जी, और चटनी आंवले की। कैसे बनाते हैं इसको? इसमें क्या करते हैं, ये हमारी मम्मी बनाया करती थी ये भाजी, मतलब और कहीं भाजी की पूड़ी बनती नहीं, मेथी की लोग बनाते हैं, चने की भाजी की मम्मी बनाती थी। तो चने की भाजी को साफ करके और उसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा तेल में, हींग और जीरा, धनिया मिर्ची, हल्दी डाल के, और फिर उससे आटा गूंथते हैं। तो हमने इसमें मल्टीग्रेन आटा डाला है, क्योंकि मैं तो वैसे ही गेहूँ का थोड़ा कम खाती हूँ, तो मल्टीग्रेन से और हेल्दी हो गया, और फिर उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और उसका पेस्ट भी डाला हुआ है, और फिर इसको फिर बना लेंगे। मतलब ये जब से मम्मी से मैंने सीखा है ना, तब से वर्क की फेवरेट हो गई है मेरे। हम लोग शुरू से ही जबलपुर में रहे। मैं बीच में कुछ दिन वहाँ चला गया था, गुजरात चला गया था, तो वहीं प्रैक्टिस करने का इरादा था मेरा, तो कुछ फैमिली रीजन से मुझे आना पड़ा था। बहुत अच्छी बनी है, आपको मेरी भी मतलब पसंदीदा मीठा है। अच्छा, खीर, खीर रबड़ी खुरचन। हाँ बिल्कुल, रबड़ी की तरह है, गाढ़ी खीर इलायची और केसर के साथ।
मिर्ची का ठेचा, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, कचुम्बर सैलड, ये पनीर रजवाड़ा, राजस्थानी गट्टा, फ्लोर बटाना, मतलब गोभी मटर, आलू टमाटर, आलू राजस्थान, छोले, अमृतसरी छोले, राजस्थानी दाल, गुजराती दाल, गुजराती कड़ी, दही बड़े, ये वेज क्रंची, वेजिटेबल ढोकला, इसमें वेजिटेबल्स हैं नीचे में, बीट रूट डाला हुआ है ऊपर, राई का तड़का, इसमें क्या होता है वेज में? तंदूरी रोटी, बिस्किट रोटी, ये मल्टीग्रेन रोटी है, बिस्किट भाकरी, और ये मिस्सी रोटी, नान, और ये फुलका, फुलका रोटी, चूरमा, और ये रोस्टेड पापड़, पापड़, मखाना ड्राई फ्रूट खीर, मैंगो हलवा, मैंगो हलवा, दाल बाटी, खिचड़ी, खिचड़ी, स्टीम राइस, वेज बिरयानी, और यहाँ पे छाछ और शरबत और पानी। पहले ढोकला शुरू करते हैं, ये थाली हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि खाना वेस्ट ना हो और हम लोग सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकें। मतलब ये इस थाली में जो मेजॉरिटी ऑफ डिशेज़ हैं वो राजस्थान की हैं, फिर पंजाब की और गुजरात की है, तीन स्टेट्स का मतलब उन्होंने एक ही बार में तीन स्टेट्स के जायके सर्व किए हैं। थाली रेस्टोरेंट में ये है कि आप एक बार जाएं और तबीयत से जब भूख लगी हो तभी आना चाहिए। थाली का एक और फ़ायदा है कि इतनी सारी चीज़ें एक बार तो घर में बनती नहीं है, हैं, लेकिन आपको टेस्ट करना है सभी चीज़ें तो एक बार में सब मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे बिस्किट रोटी से टेस्ट करते हैं। और करारी है, बिस्किट में इसमें बीट रहता है और थोड़ा सा बेसन रहता है और देसी घी और शुगर। अच्छा जी। लगे बिस्किट खा रहे हैं आप, कैसे हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग गार्लिक का फ्लेवर है उसमें। दाल कैसी लगी आपको? कड़ी स्वीट है, थाली में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो चलती राजस्थानी है, क्योंकि आइटम्स बहुत सारे हैं और राजस्थान के लोगों ने इसको अच्छा कमर्शलाइजेशन किया है इसका, और कमर्शलाइजेशन में भी कुछ डिशेज ज़्यादा पॉपुलर हुई, जैसे गट्टे की सब्ज़ी, कड़ी, दाल बाटी। काफ़ी लोग डाउट करते हैं कि वेज बिरयानी नहीं होती है, वेज पुलाव होता है। ये वैसे देखने में पुलाव टाइप ही लग रहा है। अब फ्लेवर्स देखते हैं कैसे हैं। फ्लेवर्स बिरयानी वाले हैं, वो बिरयानी मसाला का फ्लेवर। मूंग की दाल की खिचड़ी, कौन सी कड़ी के साथ? गुजराती कड़ी के साथ। अच्छा, मीठी कड़ी के साथ मिला के खाते हैं। अच्छा लगा मेरे को, दाल बाटी बहुत अच्छी लगी। और ये बिस्किट रोटी,
मीठा खाया था। 7 बजे तो आप हाँ हाँ मूंग दाल का हलवा, इसमें मैंगो सिरप या फ्लेवर डाला हुआ है? मैंगो। वाह, ये ड्राई फ्रूट खीर जितना ऐसा लस्सेदार क्यों लग रहा है? ये मखाना खीर है ना, मखाना और ये करके उसका सामना टाइप नहीं करना। अगर ओवरऑल रेटिंग दी जाए, पहला तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? 350 रुपीज़ रेट है इसका, प्लस टैक्सेस की इंक्लूसिव टैक्सेस है? इंक्लूसिव है। तो 350 रुपये में क्वांटिटी तो अच्छी खासी है, क्वांटिटी काफ़ी है और अनलिमिटेड है, तो आप वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद टेस्ट फ्लेवर्स की बात करें वो भी ठीक ठाक है, मतलब कुछ ऐसी डिशेस हैं एक्सेप्शनल नहीं है। अच्छा है, हाँ एक्सेप्शनल नहीं है। हाँ, कुछ डिशेस बहुत अच्छी हैं, कुछ डिशेस में इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि ये खीर, खीर इस पर काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो चावल के जो भी आइटम्स है उसमें सबसे अच्छी खिचड़ी थी, सबसे अच्छी खिचड़ी, खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला वो कम्फर्ट फूड का पूरा फील आ रहा है उसमें, खिचड़ी लाइट है, लाइट है और वो घी के साथ। तो ओवरऑल एक बात तो एक्सपीरियंस करना बनता है। ये हमारा रिफाइंड फ्लावर डो है जिसमें हम 24 आवर फर्मेंटेशन करते हैं, नो नीड, मतलब होता है कि बिना नीड किए हम इसका ग्लूटेन एक्टिवेट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोलीस। इससे होता क्या है कि जो मैदे के प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक केमिकल प्रोसेस के बारे में जो मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा, बट दिस बिकम्स रियली हेल्दी टू ईट नाउ एंड रियली लाइट ऑन योर टमी, रियली गुड ऑन न्यूट्रिशन। आप बेसिकली एक हेल्दियर वर्जन ऑफ पिज्ज़ा खाते हैं इस प्रोसेस की वजह से। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है थिन क्रस्ट पिज्ज़ास के साथ, दैट इट इज़ नेवर परफेक्टली राउंड। अगर आप कहीं पे परफेक्टली राउंड पिज्ज़ा खा रहे हैं तो मतलब वो मशीन मेड पिज्ज़ा है, वो कभी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो एक हैंडमेड पिज्ज़ा देता है। ये हमारा पिज्ज़ा पील है, इसमें भी हम थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे ताकि हमारा पिज्ज़ा स्टिक ना हो। एक लास्ट स्ट्रेचिंग देके हम इसको रोल कर ले कर देंगे, अगर वो तर टेयर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज़ आवर होममेड पिज्ज़ा सॉस, ये हम प्योरली टमेटोज से बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना चंकी है, दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ पहचान ऑफ अ रस्टिक इटालियन पिज्ज़ा। इटालियन जो होते हैं वो रस्टिसिटी में काफ़ी बिलीव करते हैं, उनका जो खाना होता है इट्स नॉट समथिंग की मतलब एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, इट इज़ मोर अबाउट फीलिंग एज यू गो। थोड़ा सा हम इसमें मोत्सरेला चीज़ डाल रहे हैं, फिर हमारे पास प्री स्लाइस चेडर है, ये भी हम लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। जब हम क्वात्रो फोर्माजी बनाते हैं तो क्वात्रो फोर्माजी का मतलब ये नहीं होता है कि हम 4 टाइप की चीज़ इसमें भर देंगे, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल चीज़, सो दैट जब आप उसको खाएंगे तो आपको एक बैलेंस्ड टेस्ट मिलेगा। ये हम पार्मेजान के चंक्स डाल रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बोकोंचिनी चीज़। ये जो है मोत्सरेला का एकदम रूडिमेंट्री फॉर्म होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो ऑथेंटिक इटालियन पिज्ज़ाज होते हैं उसमें ये टाइप का चीज़ ही जाता है। आप देख सकते हैं ये मोत्सरेला ही है एक टाइप का, बट कितना डिफरेंट है ये। ठीक है, अब हमारा पिज्ज़ा अंदर जाने के लिए तैयार है। लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश करेंगे ताकि इसको एक अच्छा सा ग्लेज मिल जाए। इसको थोड़ी देर हम पिज्ज़ा पील में ही रहने देंगे सो दैट द बेस फर्म्स अप अ लिटिल बिट, उसके बाद हमको इसको धीरे से स्लाइड कर देंगे ओवन के अंदर। ऑलरेडी चीज़ बबल होने लगा है, सो इट्स मोर और लेस ऑलमोस्ट डन। एक बार हम इसको टर्न करेंगे सो दैट उसका अदर साइड भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, इसको टच करेंगे तो ये थोड़ा फर्म अप होने लगा है, विच इज़ द साइन ऑफ अ गुड थिन क्रस्ट पिज्ज़ा।
तो हमारा पिज्ज़ा ये रेडी है, पावर ऑफ, क्योंकि हम एनर्जी सेव करना चाहते हैं। ये देखिए, यू कैन चेक आउट इंडिविजुअल कलर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़। एक ऑलिव ऑयल की फाइनल ब्रशिंग जस्ट टू गिव इट अ नाइस शाइन। बेजल, क्योंकि कोई भी इटालियन फूड बेजल के बिना इनकम्प्लीट होता है। थोड़ा सा पार्सली। थैंक यू। इसका नाम नियोफर कैफ़े क्यों है? जो यहाँ के शेफ़ हैं, शेफ़ सुभाष गुप्ता, तो उनका न्यूयॉर्क फेवरेट सिटी है, जो कि हम इंटीरियर से समझ ही सकते हैं। उन्हें न्यूयॉर्क की एक थीम रखी है एंड उनका एक सपना है कि वो न्यूयॉर्क में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोले समडे। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई ही हैज़ नेम्ड द कैफ़े न्यूयॉर्क कैफ़े। एस्पिरेशनल से हम समझ सकते हैं। और स्टैचू जो ने रखा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चलिए ये खाया जाए, 4 चीज़ पिज़्ज़ा। इसमें 4 तरह की चीज़ है और फिर ऊपर में बेजल है और थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है। एक जो स्ट्रेचनेस होना चाहिए मोज़रेला का वो भी है, बाकी चेडरा का जो शार्पनेस होना चाहिए वो भी है। राइट, तो सही फ्लेवर्स हैं। ऐसा बहुत बढ़िया, मतलब जो अपना ये कौन सा एक्सट्रैक्ट डाला है इन्होंने, अच्छा है। इन्होंने हमारे लिए कस्टमाइज़ भी कर दिया। मैंने बोला ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, तो वैसे डालते हैं विप क्रीम है, लेकिन उन्होंने मिल्क फ्रॉथ डाल दिया। स्वीट, टार्ट एंड स्ट्रॉन्ग। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, श्री ममलेश्वर ओमकारेश्वर खंडवा, श्री वैजनाथ परली, श्री भीमशंकर पूना महाराष्ट्र, श्री रामेश्वर मदुरई तमिलनाडु, श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात। तो 12 ज्योतिर्लिंग, श्री विश्वनाथ वाराणसी यूपी, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, श्री केदारनाथ उत्तरांचल, श्री गुश्मेश्वर औरंगाबाद। श्री बडेरिया मिष्ठान भंडार, शुद्ध घी की मिठाइयाँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती पारुल बडेरिया। मैं ये कहेंगे आपकी बडेरिया मिष्ठान भंडार की तीसरी पीढ़ी की मैं, ये दादाजी हैं, इन्हीं का ये चालू किया गया, ये स्टार्ट किया गया बिजनेस है। मैं इनकी नत बहू हूँ। 1932 से ये स्टार्ट हुई है, मतलब करीबन 95-98 ईयर्स ओल्ड शॉप है। और जितनी पुरानी शॉप ये है, उतनी इसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता अभी तक कायम है। इसीलिए आज तक हमारी दुकान बहुत अच्छी तरीके से, दादाजी के आशीर्वाद से अच्छी तरीके से संचालित हो रही है। आपके यहाँ कई तस्वीरें लगी हुई हैं, मतलब नेहरू जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ। दादाजी मिठाइयों से संबंध रखने के अलावा फ्रीडम फाइटर भी हैं, एक्चुअली फ्रीडम फाइटर भी थे। और इनका निधन 101 वर्ष में हुआ है। और फ्रीडम फाइटर के अलावा ये अपने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं काफ़ी दिनों तक। और नेहरू जी और इंदिरा गांधी जब भी जबलपुर आते थे तो उनके साथ में इनका, दादाजी का मिलना रहता था। हमारी जो कार थी एम्बेसडर,
उसमें उनके साथ में आना जाना रहता था नेहरू जी के साथ में, जो या आप ऊपर तस्वीरें देख रहे हैं नेहरू जी की और गांधी जी के साथ में दादाजी की। और दादाजी ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, इनके बेटे डॉक्टर हैं और उनके भी बेटे डॉक्टर हैं, उनकी मैं मिसेस हूँ। और जब भी कोई भी ओकेशन रहता है, कोई भी त्यौहार रहता है, दिवाली हुआ, होली हुआ, रक्षाबंधन हुआ, तो डॉक्टर होने के बावजूद भी, डॉक्टर फैमिली होने के बावजूद भी, हम लोग पूरी फैमिली हमारे शॉप में लग जाते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय ऐसा है कि जबलपुर में एकमात्र आपको ये प्रतिष्ठान ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको शुद्धता का प्रमाण मिलेगा, यहाँ पर प्योरिटी मिलेगी आपको। मिठाइयों में बहुत सारी हैं यहाँ पे, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू हैं, मगज के लड्डू हैं, और कलाकंद है, दूध का हलवा, और ये अपना पेड़ा है, कुंदे के पेड़े बनते हैं अपने यहाँ पे, साधारण पेड़े नहीं, कुंदे के पेड़े बनाए जाते हैं। और मलाई की बर्फी है, मलाई के लड्डू हैं, कलाकंद है, गुलाब जामुन है, और जो कि अपने यहाँ पे ये जो फास्टिंग वाला त्यौहार रहता है, जो कि व्रत वाला त्यौहार रहता है, उसमें अपने यहाँ पे अलग से सामान बनाया जाता है, जैसे कि व्रत के हिसाब से यहाँ पे सिंगाड़ पाक बनाया जाता है, सिंगाड़े के सेव बनाए जाते हैं, वो उस त्यौहार के हिसाब से देख के, जैसे शिवरात्रि हुआ या ग्यारस हुआ, उस दिन को देखते हुए वो अलग से बनाया जाता है, अलग से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी दिखेंगे वो भी दुकान के हिसाब से उतने ही पुराने यहाँ के कर्मचारी भी हैं, जितनी ओल्ड दुकान है वो जो दादाजी देख रहे हैं वो भी बहुत पुराने हैं, और जो कारीगर वगैरह हैं जो यहाँ पे माल बनाते हैं वो भी 80-70 ईयर्स, मतलब वो जब छोटे छोटे थे तब से काम में लगे हुए हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये मोतीचूर का लड्डू है? हाँ जी, ये बेसन से बनाते हैं, बेसन से बनता है, और देसी घी में तलते हैं दाने को, और दाना भी देसी घी में तला होता है और पाकते हैं चाशनी में। आइए जायका लिया जाए मोतीचूर के लड्डू का। और एक और चीज़ है, दादाजी ने शपथ ली थी कि यहाँ पे तेल का कुछ भी काम नहीं होगा, तो जो भी नमकीन भी आपको मिलेगा, मतलब जो भी नमकीन आप खाएंगे, सेव खाएंगे या मटरी या सलोनी खाएंगे, वो भी आपकी शुद्ध घी में बनेगी। थोड़ी सलोनी एक दो दाएं दीजिएगा, सलोनी और सेव, वो भी आपको शुद्ध घी के मिलेंगे। थोड़ी सलोनी दे दीजिए, थोड़ी थोड़ी, मैं तो खाली मुँह मीठा हो गया इसलिए हुआ था। इसको यहाँ पे सलोनी बोलते हैं? हाँ, इसको सलोनी, जो ज्यादातर जगह मटरी के नाम नमक पारे बोलते हैं, नमक पारे कोई मटरी बोलता है, ये सलोनी बोलते हैं यहाँ पे। ये भी आपको घी से मिलेगा, शुद्ध घी का, और ये नमकीन जो सेव है वो भी घी का मिलेगा। और इसमें खासियत ये रहती है कि घी का बना होने के कारण ये 15-20 डेज इसका कुछ नहीं बिगड़ता, जैसे अपन तेल का जो बनाते हैं तेल चढ़ जाता है, इसमें 15-20 डेज कुछ भी टेस्ट चेंज नहीं रहता है। लड्डू के साथ ये जो सेव है उसका खाने का अलग ही आनंद है, नमकीन और मीठा दोनों जायका। यह दूध का हलवा बिल्कुल लाल, तो ये बिल्कुल मिल्क, मतलब ये मिल्क केक ही है? ओनली मिल्क से ही बनता है, मिल्क, घी, शक्कर, इसके अलावा और तीसरी कोई भी चीज नहीं है। और इसको बस लगातार चलाते रहना पड़ता है, रुक नहीं सकते, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज देयर, हां लॉट ऑफ हार्ड, मैंने देखा है मिल्क केक बनते हुए, कंटीन्यूअसली अपन को उसको हाथ से चलाना रहेगा। और सिर्फ चीनी, दूध, चीनी, चीनी तो दूध का, तो दूध का इस्तेमाल करते हैं वो, मतलब गाय भैंस मिक्स होता है? गाय मिक्स रहता है, गाय का कम रहता है, डेयरी का और भैंस का ज़्यादा। वाह, जब मेरे को भी, खास तौर पे मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त मिल्क केक, बहुत ही शानदार है, जो हल्का सा चिवीनेस होना चाहिए वो भी है, टेक्सचर बिल्कुल ग्रेनी है, दानेदार और हल्का मीठा। ये मिठाइयाँ बहुत ही उम्दा थी, बहुत मज़ा आया खा के, बिल्कुल आप कहें तो शुद्ध जायका है ये। और शुद्धता की पहचान यही है कि जो लड्डू है इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, अदरवाइज़ आप दुकानों, अलग दुकानों पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल लाल कलर का लड्डू मिलता है, मोतीचूर का लड्डू, उसमें फूड कलर डाला जाता है, उससे उसका कलर लाल हो जाता है। इसमें जो प्योर बेसन का कलर होता है वो है इसमें, और जैसे पुराने समय में मिठाई के जो काउंटर्स होते थे, मतलब जिस तरह से रैक होती थी वो रखी हुई है। लोग अब निकल रहे हैं, अपना फूड टूर एंड कर रहे हैं जबलपुर का। बडेरिया स्वीट से हमने खोए की जलेबी और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, शुद्ध, उम्दा मोतीचूर के लड्डू भी पैक करा लिए हैं बिल्कुल। और अब चलते हैं दिल्ली की ओर, और इसी के साथ हमारा जबलपुर के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ, तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।